हूँ मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। यहाँ पे कैट का मतलब आपकी पालतू बिल्ली बिल्कुल नहीं है। कैट का मतलब है सी फॉर कम्युनिटी, ए फॉर असिस्टेंट, टी फॉर टीचर। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहेंस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। हमारी टीम इस पूरे प्रोग्राम में बहुत मेहनत कर रही है, तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है, तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो अगेन, आई एम मिस रश्मि, एंड अब हम मल्टीप्लिकेशन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स हम करते हैं। तो मैंने आपके पास तीन यहाँ पे कैटेगरीज रखी है कि मेरे पास ऑड और इवन हो, ऑड नंबर ऑड नंबर हो, और इवन नंबर इवन नंबर, ठीक है? सो एक केस करते हैं कि भाई हमने मल्टीप्लाई किया एक ऑड नंबर जैसे कि 1 उसको इवन नंबर जैसे कि 2 से, तो मेरा आंसर आया 1 2 2। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियो के बाद अपने टेबल्स लर्न कर ली होगी, ठीक है? तो नेक्स्ट 3 ले लो, 3 को आप कर लो सपोज 4 से, 3 4 12। या मैंने नंबर ले लिया 5, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया से 4 से, ठीक है? तो 5 4 20, एंड सपोज 9 है, 9 मैंने लिया नंबर 6, 9 6 54, ओके? तो आप क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, प्लीज टेल मी, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि आपने जब एक ऑड नंबर को एक इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको प्रोडक्ट कैसा था? इवन, ऑड इवन इवन, ऑड इवन इवन, ऑड इवन इवन। तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन इज इवन, ओके? अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं ऑड इनटू ऑड का। तो उसके अंदर मेरे पास नंबर है सपोज 1 into 3 3, 3 into 5 15, 5 into 7 35, and 9 into 5 45. तो मैंने देखा, मैंने जब एक ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया तो फिर मुझे क्या मिला, एक ऑड नंबर, ऑड इनटू ऑड ऑड, ऑड इनटू ऑड ऑड एंड ऑड। So that means product of two odd numbers is an odd number only. ठीक है, समझ गए आप लोग? तो next case है even into even, तो even number ले लेती हूँ मैं suppose 2 into 4 8, then I can take suppose 6 into 8 48, then 8 into 4 32, and then 4 into 10 40. What do you observe? कि 2 into 2 even into even, even even into even, even even into even, even and even. तो मेरा conclusion क्या होना चाहिए कि दो even numbers के product हमेशा even ही होते हैं। Is that clear to everybody? तो आप लोग ये कंसेप्ट अपने ध्यान में रखना, और अब जो हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 digit number by 1 digit number। तो ये जो है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 digit number, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 digit number by 1 digit number, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देती हूँ। सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 36 into 2, तो मेरे को 36 into 2, ये 2 digit number है और ये एक 1 digit number है, ठीक है? तो जो हमारा ऊपर
नंबर लिखा जाता है उसको हम मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। और इसको जो आएगा आंसर उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट। आई होप ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो सिंपल है, आपको इस डिजिट के सारे डिजिट्स, इस नंबर के सारे डिजिट्स इस नंबर से मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 6 2s are 12। अब आप 12 ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे वंस की प्लेस वाला और टेंस की प्लेस का कैरी। अभी 3 2s are 6 एंड दिस कैरी 1 इज एडेड टू दैट 6, तो आंसर विल बी 7। ओके, तो 3 2s are 6 एंड प्लस 1 इज 7। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज मेरे पास नंबर है 75 × 9। ठीक है, मैंने ना ये नंबर बहुत उससे लिया है ताकि आप लोगों को एक न्यू कॉन्सेप्ट समझ आए। अभी बताओ 9 5s are 45, तो 4 carry 5 इन द वंस प्लेस प्रोडक्ट के अंदर। 9 7s are 63 होते हैं, 63 में ये जो 4 आपका कैरी था वो ऐड करेंगे, 63 64 65 66 67। अब कहाँ लिखेंगे 67, क्योंकि 100 के पास कुछ नहीं है, तो सीधा आप 100 की प्लेस पे 6 और 10s की प्लेस पे 7 लिखेंगे। तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 675। मेरी बात आपको समझ में आई, ये क्या था, 675। ओके, तो एक बार फटाफट से इसके हम कुछ एग्जांपल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि और फर्दर इसकी अंडरस्टैंडिंग बने। तो पेज नंबर 93 पे आपके पास एग्जांपल है। देयर आर 4 पॉन्ड्स इन अ जू, ईच पॉन्ड हैज 24 डक्स, हाउ मेनी टोटल डक्स आर देयर इन द जू। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो नंबर ऑफ पॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ पॉन्ड्स इक्वल्स टू 4 एंड नंबर ऑफ डक्स इन ईच पॉन्ड कितने हैं, 24, दैट इज 24। देन हाउ डू आई गेट आपको याद होगा मैंने आपको लड्डू वाला एग्जांपल दिया था पिछली बार, जिसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स को, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 4 4s are 16 एंड 4 2s are 8 प्लस 1 ऑफ दिस कैरी एंड 9 96। तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, Therefore there are 96 ducks in the zoo. I hope ये समझ में आया सबको। ठीक है, एक इसके अंदर क्वेश्चन और हम करते हैं। तो 7 buses were going to Nasik to Pune. तो Nasik to Pune, Nasik एक जगह है महाराष्ट्र में, पुणे भी एक जगह है महाराष्ट्र में, तो वहाँ से वहाँ लोग बस से ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो नासिक से पुणे तक 7 बसेस जा रही हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी जगहों पे, आपके स्टेट में, आपकी टेरिटरी में कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं, कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ आप वॉक करके ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, सो 7 बसेस हैं जो नासिक टू पुणे जा रही है और हर बस के अंदर 45 पैसेंजर्स बैठे हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी पैसेंजर्स वर ट्रैवलिंग फ्रॉम नासिक टू पुणे। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ बसेस गोइंग फ्रॉम नासिक टू पुणे, इट इज 7।
सेवेंथ नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच बस, वो कितने हैं? 45 है नंबर ऑफ पीपल इन ईच बस, वो कितने हैं? 45। तो टोटल पीपल ट्रैवलिंग, तो वो कैसे आ जाएगा? आप करेंगे 45 into 7, 7 5s are 35, 3 carry 5 in the ones place, 7 4s are 28, 29, 30 and 31, so 315. So मेरी final statement क्या होगी? Therefore 315 people are traveling. Okay, I hope ये concept सबको समझ में आया। आगे बढ़े, concept check 4B start करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट चेक 4B से। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, बाकी के पार्ट्स आप लोग एज होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पार्ट हम देखते हैं कि 47 into 2 हमने करना है। सिंपल क्वेश्चन है, वंस को वंस की प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, कैरी लिखेंगे एंड फिर टू वन पीस को टू से करेंगे। तो 7 2s are 14, 1 carry 4, 4 2s are 8 plus 1 9, तो आंसर और द प्रोडक्ट इज 94। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, 8 8s are 64 एंड 8 8s are again 64 एंड 64 plus 6 65 66 67 68 69 70, तो यहाँ पर 7070 आएगा। तो 704 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू एच पार्ट, इट हैज 9 5s are 45 एंड 9 9s are 81 plus 4 82 83 84 85, दिस वुड बी 855। ओके, 7 2s are 14, 1 carry 4, 7 7s are 49, ठीक है, एंड 49 plus 1 is 5050। प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोग टेबल्स जरूर याद करें, बिना टेबल्स याद करें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कब तक काउंटिंग करते रहेंगे। टेबल्स में ये नहीं कह रही आप बहुत सारे याद करें, बट एटलीस्ट 1 to 10 याद कर लीजिए, और जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना वैसे वैसे आपकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग है वो बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तो आपको बाकी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। ओके, 94 into 8, 8 4s are 32, 9 8 into 9, 8 9 8s are हमारा कितना होता है बताइए, आप बताओ कितना होता है, 9 8s are 94 into 8 हमने किया, तो 8 4s are 32, 3 carry 2, 9 8s are 72, ठीक है, एंड 72 plus 3 is 73, 74, 75, तो 752 is the product। आई होप ये समझ में आया आपको, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में और बाकी के पार्ट्स एज अ होमवर्क कीजिए। क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। वो कह रहा है अ स्टेयरकेस हैज
28 स्टेप्स, स्टेप्स मतलब सीढ़ियां, ठीक है। तो एक स्टेयर केस के अंदर 28 स्टेप्स है। नितिका क्लाइंब अप 8 सच स्टेयर केसेस, हाउ मेनी स्टेप्स कैन नितिका क्लाइंब। तो एक स्टेयर केस है उसमें 28 स्टेप्स है और उसने 8 ऐसी स्टेप्स स्टेयर केसेस क्लाइंब करी, ठीक है। तो आप स्टार्ट क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेयर्स इन अ स्टेयर केस इज 28, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टेयर केसेस क्लाइंब बाय नितिका इज 8. सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, यहां पे हम लोग स्टेप्स लिख सकते हैं स्टेयर्स की जगह, क्लाइंबिंग इज 28 इंटू 8। अब आप बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या होगा, 8 इज 64, 8 टू 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22। सो 22 आपने लिखा तो आंसर आया 224 आया। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर नितिका क्लाइंब 224 स्टेप्स, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसको लिख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सपना हैज 5 बॉक्सेस ऑफ चॉक, इफ देयर आर 36 चॉक्स इन ईच बॉक्स हाउ मेनी चॉक्स डज सपना हैज। सो कितने बॉक्सेस है उसके पास, 5 बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ चॉक्स या नंबर ऑफ बॉक्सेस सपना हैज इज 5 एंड नंबर ऑफ चॉक्स इन ईच बॉक्स इज 36। सो टोटल चॉक, टोटल नंबर ऑफ चॉक्स सपना हैज इज बेसिकली 36 इंटू 5। अब आप बताओ मुझे प्रोडक्ट कितना आएगा, बताओ। 6 5s are 30, 5 3s are 15, 16, 17, 18, 180। तो मेरी फाइनल स्टेटमेंट क्या बनेगी, देयरफॉर सपना हैज 180 चॉक्स, ओके। आई होप दैट दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीबडी, ठीक है। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ओके।